बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। आज के कारोबार के बाद सरसों और सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार हुआ है। वहीं अन्य तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर रहीं। वहीं मार्केट के एक्सपर्ट ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, साथ ही शिकागो एक्सचेंज में 1% की तेजी रही। वहीं पिछले साल की तुलना में 20% सस्ता है सरसों। आपको बता दें कि पिछले साल के मौजूदा समय में सोयाबीन डिगम का भाव लगभग 1100 से 1200 रुपये प्रति टन था, जो फिलहाल लगभग ये 1850 से 1900 रुपये डॉलर के दायरे में है। इसके अलावा सरसों के तेल के का थोक बिक्री भाव पिछले साल अपने थोक बिक्री भाव के मुकाबले लगभग 15 से 20 रुपये लीटर सस्ता है। सूत्रों ने कहा कि आयातित तेलों के महंगा होने से सरसों से भारी मात्रा में रिफाइंड बनाया जा रहा है, जिससे सरसों को लेकर आगे आने वाली दिक्कतों के बारे में सरकार को सतर्क रहना होगा। वहीं सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा सरकार को सरसों की खरीद करवाने के अलावा इसके रिफाइंड बनाने पर रोक लगानी चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि विदेशों में तेजी और स्थानीय मांग बढ़ने से सोयाबीन, सरसों, पामोलिन, मूंगफली, बिनोला और सीपीओ जैसे तेल तिलहन के भाव मजबूती के साथ बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरा ध्यान देश में तिलहन प्रोडक्शन बढ़ाने पर देना होगा।